भागवत पुराण अष्टम स्कंद तीसरा अध्याय गजेंद्र के द्वारा भगवान की स्तुति और उसका संकट से मुक्त होना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अपनी बुद्धि से ऐसा निश्चय करके गजेंद्र ने अपने मन को हृदय में एकाग्र किया और फिर पूर्व जन्म में सीखे हुए श्रेष्ठ स्रोत के द्वारा जप द्वारा भगवान की स्तुति करने लगा। गजेंद्र ने कहा, जो जगत के मूल कारण है और सबके हृदय में पुरुष के रूप में विराजमान है एवं समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं, जिनके कारण इस संसार में चेतना का विस्तार होता है, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रेम से उनका ध्यान करता हूँ। यह संसार उन्हीं में स्थित है, उन्हीं की सत्ता से प्रतीत हो रहा है, वे ही इसमें व्याप्त हो रहे हैं और स्वयं वे ही इसके रूप में प्रकट हो रहे हैं। यह सब होने पर भी वे इस संसार और इसके कारण प्रकृति से सर्वथा पड़े हैं। उन स्वयं प्रकाश स्वयं सिद्ध सत्तात्मक भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। यह विश्व प्रपंच उन्हीं की माया से उनमें अध्यस्त है, यह कभी प्रतीत होता है तो कभी नहीं, परंतु उनकी दृष्टि ज्यों की त्यों एक सी रहती है। वे इसके साक्षी हैं और उन दोनों को ही देखते रहते हैं। वे सबके मूल हैं और अपने मूल भी वही हैं, कोई दूसरा उनका कारण नहीं है। वे ही समस्त कार्य और कारणों से अतीत प्रभु मेरी रक्षा करें। प्रलय के समय लोक लोकपाल और इन सब के कारण संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। उस समय केवल अत्यंत घना और गहरा अंधकार ही अंधकार रहता है, परंतु अनंत परमात्मा उससे सर्वथा पड़े विराजमान रहते हैं। वे ही प्रभु मेरी रक्षा करें। उनकी लीलाओं का रहस्य जानना बहुत ही कठिन है। वे नट की भांति अनेकों वेश धारण करते हैं। उनके वास्तविक स्वरूप को न तो देवता जानते हैं और न ऋषि ही। फिर दूसरा ऐसा कौन प्राणी है जो वहाँ तक जा सके और उनका वर्णन कर सके। वे प्रभु मेरी रक्षा करें जिनके परम मंगलमय स्वरूप का दर्शन करने के लिए महात्मा गण संसार की समस्त आसक्तियों का परित्याग कर देते हैं और वन में जाकर अखंड भाव से ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं तथा अपने आत्मा को सबके हृदय में विराजमान देखकर स्वाभाविक ही सबकी भलाई करते हैं। वे ही मुनियों के सर्वस्व भगवान मेरे सहायक हैं, वे ही मेरी गति हैं। न उनके जन्म कर्म हैं और ना नाम रूप, न उनके जन्म कर्म हैं और ना नाम रूप। फिर उनके संबंध में गुण और दोष की तो कल्पना ही कैसे की जा सकती है। फिर भी विश्व की सृष्टि और संहार करने के लिए समय समय पर वे उन्हें अपनी माया से स्वीकार करते हैं। उन्हीं अनंत शक्तिमान सर्व सर्वेश्वर में पर ब्रह्म परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। वे अरूप होने पर भी बहुरूप हैं, उनके कर्म अत्यंत आश्चर्यमय हैं। मैं उनके चरणों में नमस्कार करता हूँ। स्वयं प्रकाश सबके साक्षी परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, जो मन वाणी और चित्त से अत्यंत दूर है, उन परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। विवेकी पुरुष कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण के द्वारा अपना अंतःकरण शुद्ध करके जिन्हें प्राप्त करते हैं तथा जो स्वयं तो नित्य मुक्त परमानंद एवं ज्ञान स्वरूप हैं,
विवेकी पुरुष कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण के द्वारा अपना अंतःकरण शुद्ध करके जिन्हें प्राप्त करते हैं तथा जो स्वयं तो नित्य मुक्त परमानंद एवं ज्ञान स्वरूप ही हैं ही परमानंद एवं ज्ञान स्वरूप हैं ही दूसरों को कैवल्य मुक्ति देने की सामर्थ्य भी केवल उन्हीं में है। उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ जो सत्य रज तम इन तीन गुणों का धर्म स्वीकार करके क्रमशः शांत घोर और मूढ़ अवस्था भी धारण करते हैं। उन भेद रहित समभाव से स्थित एवं ज्ञानधन प्रभु को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। आप सबके स्वामी समस्त क्षेत्रों के एकमात्र ज्ञाता एवं सर्व साक्षी हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप स्वयं ही अपने कारण हैं, पुरुष और मूल प्रकृति के रूप में भी आप ही हैं। आपको मेरे बार बार नमस्कार है। आप समस्त इंद्रिय और उनके विषयों के दृष्टा हैं, समस्त प्रतीतियों के आधार हैं, अहंकार आदि छाया रूप असत वस्तुओं के द्वारा आपका ही अस्तित्व प्रकट होता है। समस्त वस्तुओं की सत्ता के रूप में भी केवल आप ही भास रहे हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सबके मूल कारण हैं, आपका कोई कारण नहीं है तथा कारण होने पर भी आप में विकार या परिणाम नहीं होता, इसलिए आप अनोखे कारण हैं। आपको मेरा बार बार नमस्कार। जैसे समस्त नदी झरने आदि का परम आश्रय समुद्र है, वैसे ही आप समस्त वेद और शास्त्रों के परम तात्पर्य हैं। आप मोक्ष स्वरूप हैं और समस्त संत आपकी ही शरण ग्रहण करते हैं, अतः आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जैसे यज्ञ के काष्ठ अरणि में अग्नि गुप्त रूप से रहती है, वैसे ही आपने अपने ज्ञान को गुणों की माया से ढक रखा है। गुणों में क्षोभ होने पर उनके द्वारा विविध प्रकार की सृष्टि रचना का आप संकल्प करते हैं। जो लोग कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण के द्वारा आत्म तत्व की भावना करके वेद शास्त्रों से ऊपर उठ जाते हैं, उनके आत्मा के रूप में आप स्वयं ही प्रकाशित हो जाते हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जैसे कोई दयालु पुरुष फंदे में पड़े हुए पशु का बंधन काट दे, वैसे ही आप मेरे जैसे शरणागतों की फांसी काट देते हैं। आप नित्य मुक्त हैं, परम करुणामय हैं और भक्तों का कल्याण करने में आप कभी आलस्य नहीं करते। आपके चरणों में मेरा नमस्कार है। समस्त प्राणियों के हृदय में अपने अंश के द्वारा अंतरात्मा के रूप में आप उपलब्ध होते रहते हैं। आप सर्वेश्वर पूर्ण एवं अनंत हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जो लोग शरीर पुत्र गुरुजन गृह संपत्ति और स्वजनों में आसक्त हैं, उन्हें आपकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है, क्योंकि आप स्वयं गुणों की आसक्ति से रहित हैं। जीवन मुक्त पुरुष अपने हृदय में आपका निरंतर चिंतन करते रहते हैं। उन सर्वैश्वर्य पूर्ण ज्ञान स्वरूप भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। धर्म अर्थ काम और मोक्ष की कामना से मनुष्य उन्हीं का भजन करके अपनी अभिष्ट वस्तु प्राप्त कर लेते हैं। इतना ही नहीं, वे उनको सभी प्रकार का सुख देते हैं और अपने ही जैसा अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं। वे ही परम दयालु प्रभु मेरा उद्धार करे, जिनके अनन्य प्रेम जिन
के अनन्य प्रेमी भक्तजन उन्हीं की शरणों में रहते हुए उनसे किसी भी वस्तु की, यहाँ तक कि मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करते, केवल उनकी परम दिव्य मंगलमयी लीलाओं का गान करते हुए आनंद के समुद्र में निमग्न रहते हैं। जो अविनाशी सर्वशक्तिमान अव्यक्त इंद्रियातीत और अत्यंत सूक्ष्म है, जो अत्यंत निकट रहने पर भी बहुत दूर जान पड़ते हैं, जो आध्यात्मिक योग अर्थात ज्ञान योग या भक्ति योग के द्वारा प्राप्त होते हैं, उन्हीं आदि पुरुष अनंत एवं परिपूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा की मैं स्तुति करता हूँ, जिनकी अत्यंत छोटी कला से अनेकों नाम रूप के भेद भाव से युक्त ब्रह्मा आदि देवता, वेद और चराचर लोकों की सृष्टि हुई है, जैसे धधकती हुई आग से लपटे और प्रकाशमान सूर्य से उनकी किरणें बार बार निकलती और लीन होती रहती है, वैसे ही जिन स्वयं प्रकाश परमात्मा से बुद्धि मन और इंद्रिय और शरीर जो गुणों के प्रवाह रूप हैं बार बार प्रकट होते तथा लीन हो जाते हैं, वे भगवान ना देवता हैं और ना असुर, वे मनुष्य और पशु पक्षी भी नहीं हैं, ना वे स्त्री हैं, ना पुरुष और ना नपुंसक, वे कोई साधारण या असाधारण प्राणी भी नहीं हैं, ना वे गुण हैं और ना कर्म, ना कार्य हैं और ना तो कारण ही। सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ बच रहता है वही उनका स्वरूप है तथा वे ही सब कुछ है, वे ही परमात्मा मेरे उद्धार के लिए प्रकट हो। मैं जीना नहीं चाहता, यह हाथी की योनि बाहर और भीतर सब ओर से अज्ञान रूप आवरण के द्वारा ढकी हुई है, इसको रख कर करना ही क्या है। मैं तो आत्म प्रकाश को ढकने वाला उस अज्ञान रूप आवरण से छूटना चाहता हूँ, जो काल क्रम से अपने आप नहीं छूट सकता, जो केवल भगवत कृपा अथवा तत्व ज्ञान के द्वारा ही नष्ट होता है। इसलिए मैं उन पर ब्रह्म परमात्मा की शरण में हूँ, जो विश्व रहित होने पर भी विश्व के रचयिता और विश्व स्वरूप हैं, साथ ही जो विश्व की अंतरात्मा के रूप में विश्व रूप सामग्री से क्रीड़ा भी करते रहते हैं, उन अजन्मा परम पद स्वरूप ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। योगी लोग योग के द्वारा कर्म, कर्म वासना और कर्म फल को भस्म करके अपने योग शुद्ध हृदय में जिन योगेश्वर भगवान का साक्षात्कार करते हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आपकी तीन शक्तियाँ सत्व, रज और तम के रागादि वेग असहाय हैं, समस्त इंद्रियों और मन के विषयों के रूप में भी आप ही प्रतीत हो रहे हैं, इसलिए जिनकी इंद्रियाँ वश में नहीं हैं वे तो आपकी प्राप्ति का मार्ग भी नहीं पा सकते। आपकी शक्ति अनंत है, आप शरणागत वत्सल हैं, आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। आपकी माया अहम बुद्धि से आत्मा का स्वरूप ढक गया है, इसलिए यह जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। आपकी महिमा अपार है, उन सर्वशक्तिमान एवं माधुर्य निधि भगवान की मैं शरण में हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गजेंद्र ने बिना किसी भेदभाव के निर्विशेष रूप से भगवान की स्तुति की थी, इसलिए भिन्न भिन्न नाम और रूपों को अपना स्वरूप मानने वाले ब्रह्मा आदि देवता उसकी रक्षा करने के लिए नहीं आए। उस समय सर्वात्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप स्वयं भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। विश्व के एकमात्र आधार भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, अतः उसकी स्तुति सुनकर वेद में
गरुड़ पर सवार हो चक्रधारी भगवान बड़ी शीघ्रता से वहाँ के लिए चल पड़े, जहाँ गजेंद्र अत्यंत संकट में पड़ा हुआ था। उनके साथ स्तुति करते हुए देवता भी आए। सरोवर के भीतर बलवान ग्रह ने गजेंद्र को पकड़ रखा था और वह अत्यंत व्याकुल हो रहा था। जब उसने देखा कि आकाश में गरुड़ पर सवार होकर हाथ में चक्र लिए भगवान श्री हरि आ रहे हैं, तब अपनी सूंड में कमल का एक सुंदर पुष्प लेकर उसने ऊपर को उठाया और बड़े कष्ट से बोला, नारायण जगत गुरु अपनी सूंड में कमल का एक सुंदर पुष्प लेकर उसने ऊपर को उठाया और बड़े कष्ट से बोला, नारायण जगत गुरु भगवान आपको नमस्कार है। जब भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, तब वे एक बारगी गरुड़ को छोड़कर कूद पड़े और कृपा करके गजेंद्र के साथ ही ग्रह को भी बड़ी शीघ्रता से सरोवर से बाहर निकाल लाए। फिर सब देवताओं के सामने ही भगवान श्री हरि ने चक्र से ग्रह का मुंह फाड़ डाला और गजेंद्र को छुड़ा दिया।